खुदा में सी के अजीम बाबरकत नाम में नेशनल न्यूज़ देखने वाले सब बहन भाइयों को मेरा आज का सलाम मेरा नाम पास्टर सलीम सैमोल है और मेरा तलक लाहौर बाहर कॉलोनी से है और आज हम खुदा के कलाम में से आ, सीखने वाले हैं आ, जो स्ली कलमात है गुड फ्राइडे के तलक से तो इससे पहले कि जिस कलमे के ऊपर मैं आज खुदा का कलाम आप तक पहुँचाने वाला हूँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो अरसा दराज से मैं लोगों को बता रहा हूँ और वो है गुड फ्राइडे के तलक से आ, गुड का मतलब है अच्छा और फ्राइडे का मतलब है जुमा यानी कि इसका निकलेगा अच्छा जुमा ठीक है सो so, बहुत सारे लोगों के तासरत होते हैं गुड फ्राइडे वाले दिन लोग अपने आप को बड़ा अफसरदा सा मुंह बना लेते हैं कि गुदाम यसु मसीह को उस दिन सलीब के ऊपर दिया गया और इस वजह से वो इस चीज़ के लिए रोते भी हैं लेकिन जब हम इसका नाम हमने जो इसको दिया है गुड फ्राइडे तो इसका मतलब है अच्छा जुमा यानी कि खुदा में यसु मसीह ज़मीन के ऊपर जो काम करने आया था वो नजात का पैगाम जो देने आया था वो उस दिन वो कम्प्लीट हुआ है कि बनी इंसान जो था खुदा से दूर हो गया है वो दोबारा से यसु मसीह के सलीब के वसीला से उसके सबब से खुदा बाप के पास उसके करीब आ चुका है यसु मसीह गुड फ्राइडे वाले दिन सुबह मरकज़ की अंजील के मुताबिक सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक वो सलीब के ऊपर रहे और इस दौरान छह घंटे के दौरान यसु मसीह ने सात स्लीप के ऊपर स्लीपी कलमात जिसको हम कहते हैं कलमात बोले हैं ठीक है इनमें तीन कलमे जो है ये यसु मसीह ने दिन की रोशनी में कहे जिनमें ए बाब तू इनको माफ कर तू आज ही मेरे साथ फरदोश में होगा और तीसरा कलमा के जो उसने अपनी वालदा के तलक से है ठीक है अभी इसके ऊपर मैं आज का कलाम आप तक पेश करने वाला हूं और बाकी जो चार कलबात हैं वो यस्ुम सीन बारह बजे से लेकर तीन बजे तक तारीखी छागी एक होलनाक तारीखी हम देखते हैं और अपने आप से और खुदा बाप के साथ वो कलमात है वो नहाय तारीखी के अंदर के हैं ठीक है तो आए खुदा के कलाम में से योना की झील में से हम देखेंगे तीसरा कलमा हम देखेंगे योना की झील उसका उन्नीस बाप और उसकी पच्चीस आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा सो यहाँ खुदा के कलाम के अंदर लिखा और यसु की सली के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कलपास की बीवी और मरियम मकदलिनी खड़ी थी यसु ने अपनी माँ और उस शर्गिद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देख कर माँ से कहा कि ऐ और देख तेरा बेटा ये है फिर शगीद से कहा कि देख तेरी माँ ये है और उसी वक्त से वो शगीद उसे अपने घर ले गया अमीर सो ये तीसरा कलमा है जो यसु मसीह ने दिन की रोशनी में कहे थे और इसके अंदर दो बातें जो है मैं आज जो अब तक पेश करने वाला हूँ पहली बात यह है इसको मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं ठीक है तो खुदा में यसुम ने अपनी जान से ज्यादा जो है यहाँ में नज़र आता है कि वो अपनी माँ की उसको फिक्र है और अगर हम दस अहकाम जो है दस हुक्म जिसको कहते हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना दो बाइबल के अंदर हमें बातें नजर आती हैं कि जमीन के ऊपर जमीन कैसे दराज होगी खुदा के कलाम के अंदर लिखे तू तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना तो मैं जमीन के ऊपर तेरी उम्र दराज करूंगा अगर आपने लंबी उम्र चाहते हैं जमीन के ऊपर चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो अपने माँ बाप की इज्जत करें ठीक है खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि तू अपनी माँ और बाप की क्या करना है इज्जत करना और मैं तेरी जमीन के ऊपर उम्र दराज करूंगा और दूसरा जो खुदा के कलाम के अंदर तरीका बताया गया है अटरनल लाइफ हमेशा की जिंदगी का वो ये है खुदा यस्सु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल करना और इससे क्या है हमें हमेशा की जिंदगी के हम वारस बनते हैं ये दो बातें जो है लंबी जिंदगी के तलब से और हमेशा की जिंदगी के तल से खुदा के कलाम में से मिलती है तो यसु मसीह यहाँ उसको अपनी माँ की फिक्र है वो उसने अपनी माँ की जो स्लीप के पास खड़ी है और जो खादमीन वो कहते हैं कि उसका बाप जो था यूसुफ जो था उसकी डेथ हो गई है और अब माँ जो है वो केली है और वो पास खड़ी है और उसने अपनी माँ को जो है वो शगिर्द जिससे से, से मोहब्बत रखता था उसके सुपुर्द किया है ठीक है सुपुर्दगी उसने अपनी जगह जो खाली जगह हो गई है फैमिली में से उसने अपनी माँ को जो है वो उस शगिर्द के सुपुर्द किया कि ये देख तेरी माँ है और देख ये तेरा बेटा है ठीक है और एक और जो दूसरी बात हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि यसुम मसीह ने अपनी माँ को जो है शगिद जो है जो क्लीसिया का एक रुकन है ठीक है 120 की जमायत अमाल की किताब के अंदर बाद में हम देखते हैं यसु मसीह की माँ भी जो थी उस 120 की जमायत के अंदर है ठीक है तो उसको कलीसिया के उसको अंदर जो है उसको सुपुर्द किया गया है युखना जो है वो कलिसिया के एक रुकन है ठीक है तो अपनी माँ को एक रूहानी माहौल के अंदर ही उसने दिया उस शगिद के हवाले किया और बाद में वो लिखा है कि उसको अपने घर ले गया उसके बाद वो हमें 120 की जमायत के अंदर मरियम नजर आती है सो इसके अंदर जो हमारे लिए जो सबक है हर कलमा जो है उसके अंदर कोई ना कोई सबक है हर कलमा जो सात सलीबी कलमात है वो हमारे लिए एक सबक छोड़ के जाता है ठीक है तो उससे हमने सबक सीखना है हर कलमे के अंदर इस कलमे के अंदर जो हमें चीज़ जो है वो कलमे के अंदर नजर आती है वो ये है कि अपने माँ और बाप की जो है रिस्पेक्ट करें उनकी इज्जत करें उसकी उनको ऑनर दे ठीक है और अगर ये सब कुछ हम करते हैं क्योंकि ये खुदा का कलाम भी हमें कहता है ठीक है, खुदा का कलाम इस चीज के ऊपर बार बार हमें जो है वो तंबी करता है के खत के अंदर भी लिखा हुआ है माँ बाप के लिए भी लिखा है उलाद के लिए भी लिखा है ठीक है के अपने माँ और बाप की क्या करें इज्जत करें यार खुदा के कलाम के मुताबिक पत्रस के खत के अंदर लिखा है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है खुदा ने जो अहकाम दिए थे उनमें से ये पहला एक हुक्म है जिसको हम खुदा के दा चुकें तो वो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना तो मैं ज़मीन के ऊपर तेरी उम्र दराज करूँगा ये क्रेडिट ऑनर खुदा ने रिवार्ड दिया है इस चीज़ का ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी ज़िंदगी लेना चाहते हैं अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करें उनकी रिस्पेक्ट करें अगर बूढ़े हो गए हैं उनकी फ़िक्र करें आप ठीक है सो तो बहुत सारे लोग हैं आज हैं कि वो अपने माँ और बाप की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो इज़्ज़त नहीं करते हैं वो इज़्ज़त ऑन और उनको नहीं देते हैं जो उनको देनी चाहिए सो खुदा के कलाम के मुताबिक यसुम सी हमारे लिए मशले रहा है किस तरह से सलीब के ऊपर जानकनी के आलम के अभी भी उसको अपनी माँ की क्या है फिक्र है सो मेरे मेरे देखने वाले जितने भी आ, मुझे देख रहे हैं इस पैगाम के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ ठीक है अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करें और आखिरी बात यह है कि गुड फ्राइडे का जो पैगाम है ये हमारी निजात का पैगाम है ठीक है इसमें आपने ये नहीं अपने आप को उदास नहीं करना है उसमें आपने रोना और चलाना नहीं है बल्कि इसके लिए अपने शुक्र करना है खुदाबा आप के लिए आगे शुक्र ये करना है कि यसुम सी मेरे लिए और आपके लिए ज़मीन के ऊपर इंसान बना उसने अपनी जान दी ठीक है ये सया तिरपन बाग के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि उसने हमारी मशक्कतें जो है वो अपने ऊपर उठा ली ठीक है तो ये गुड फ्राइडे का पैगाम जो है ये खुशखबरी का पैगाम है ये उदास होने का पैगाम नहीं बल्कि ये खुशखबरी का पैगाम है ठीक है तो ये जो सिलीबी कलमात है ये हमारे लिए मछले रहा है ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हम जमीन के ऊपर रहते हुए खुदा बाप का हम शुक्र अदा करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें अहम सो मेरी दुआ है और मेरी जो इस पैगाम को सुन रहे हैं ज़रूर है अगर कोई ऐसा पैगाम जो मेरे सुन रहे हैं अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करता है ये हमारे सामने खुदा का कलाम जो है ये मछले रहा है ठीक है और इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हमने यीशु की पैरवी करना है उसके पीछे चलना है ठीक है तो अगर वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो हमने भी अपने माँ बाप की इज्जत करनी है ठीक है खुदांद आप सबको भर के दें खुदांद आपके साथ हो और आपको ब्लेस करे और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से खुदा में बढ़ें तरक्की करें उसके नाम को इज्जत और जलाल दें